बराबर सामने उच्चा थां जिहड़ा है वह ज्यादा तो की गल है कुर्सी की किधर रह गई गल थोड़ा बाता भी उच्चा करके नहीं कोई बह सकता। कोई यह नहीं है कि बह दलीचा पाए कोई वखरा लीड़ा बिछा के भी नहीं बह सकता। सो साध संगत जी गुरु का अदब रखना बड़ा जरूरी है। महाराज साहब जी गुरु अंगद साहब जी साखी आउंदी है कि महाराज साहब जी जो हरीकियां तो लंघ रहे सी ते संगतां ने सतगुरां दे बैठन वास्ते सोहना पलंगा बिछाया ते धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी पलंगे ते बैठे संगतां नूं दर्शन दिंदे ने। एक उत्थे चौधरी सी वह जो चौधरी आया ना तो महाराज कहण लगे इहनूं मूहड़ा दे दिओ बहण नूं। वह जिहड़ा चौधरी सी उह मूहड़े दे ते बैठा ना ते महाराज दे पलंगे ते आण के बह गया ते संगतां दे मन विच बड़ा गुस्सा आया ते महाराज कहण लगे वी हुण ना मूहड़ा ते ना पंगूड़ा उहदा मुड़ के कुछ भी नहीं रहा। इस करके गुरु की बराबरता जिहड़ी है ये कोई भी कर ही नहीं सकता। सिख का कर्म है कि गुरु के सन्मुख महाराज के चरणों से मत्था रख के मत्था टेकना अदब नाल मत्था टेकना भावना नाल टेकना कि गुरु ग्रंथ साहब जी के दसां पातशाहियां जी के चरणों से मत्था टेक रहा। पर सतगुरु हाजिर नाजर ने हाजरा हजूर ने इसे तरह इस करके सतगुरों के